मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी की रणनीति तैयार। शिवराज को सत्ता से हटाने के लिए राहुल ने कौन सा प्लान तैयार किया है? 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश के 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस साल जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल है, जहां बीते 15 सालों से बीजेपी का शासन है। यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी दंगल में उतरने की तैयारी कर ली है। मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात के तर्ज पर इन दोनों राज्यों में भी राहुल गांधी मंदिर दर मंदिर चक्कर लगाते नजर आएंगे। खबर यह है कि दोनों ही राज्यों में राहुल के दौरे को लेकर मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी अपने मंदिर दौरे की शुरुआत उज्जैन के महाकाल या दतिया के पीताम्बरी मंदिर से कर सकते हैं। खबर यह भी है कि कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश इकाई से 10 ऐसे मंदिरों की लिस्ट मंगवाई है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस सीधे तौर पर इस खबर को स्वीकार करने से बच रही है, मगर पार्टी नेताओं के बयान राहुल के मंदिर दौरों की तस्दीक जरूर करते हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी की माने तो राहुल गांधी पहले भी मंदिर जाते रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें प्रदेश के मंदिरों में दर्शन करने का मन होगा तो जरूर जाएंगे, लेकिन इसके लिए राहुल को मंदिरों की लिस्ट की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राज्य के लिए नए नहीं हैं। उन्हें यहाँ के भूगोल, इतिहास, धार्मिक स्थानों की तमाम जानकारी है। वो भ्रमण भी करेंगे और लोगों से भी मिलेंगे। अब 15 साल के शिवराज सिंह चौहान के शासन को उखाड़ने के लिए कांग्रेस भले ही मंदिर दौड़ को मुफीद मान रही हो, लेकिन ऐसा कर वो सत्ता पर काबिज हो पाती है या नहीं, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।